आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, यानी कि तीन सदिशों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उस कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर्स दिए हैं, ए बी सी तीन वेक्टर्स, ठीक है, और निकालना है हमको क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन तीनों वेक्टरों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, हम बी क्रॉस सी निकाल लिए पहले, बी और सी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको इन तीनों सदिशों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो फार्मूला हमारे पास एक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी, ए और सी का डॉट मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ बी का मल्टीप्लिकेशन, माइनस ए और बी का डॉट मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ सी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे अपन, और देखते हैं दोनों इक्वल कैसे आते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया है आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, बी दिया है टू आई प्लस जे माइनस के, और सी दिया है जीरो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और इन तीनों वेक्टरों का हमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ठीक है, बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए क्या करते हैं, आई जे के तीनों में है, ठीक है। अब आई जे के जो कोफिशियंट हैं बी के, वो है टू वन और माइनस वन, तो रख दिए टू वन माइनस वन। उसी प्रकार सी के जो आई जे के कोफिशियंट हैं जीरो वन वन, जीरो वन वन रख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई वन इंटू वन, वन होता है और यहाँ पर माइनस होता है ना, तो वन इंटू माइनस वन तो माइनस वन, तो यहाँ पर प्लस वन हो गया, ठीक है। प्लस जे टू इंटू वन, अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तो हम क्या लेते हैं प्लस। तो इधर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, माइनस टू इंटू वन तो टू, प्लस के टू इंटू वन टू, माइनस जीरो इंटू वन ज़ीरो। अब इसको सॉल्व किए तो हो गया टू आई माइनस टू जे प्लस टू के, ये हमारा क्या निकल गया, बी क्रॉस सी। हमको चाहिए क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये निकल गया। अब हम इसमें ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो देखिए ए हमारे पास क्या है, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, बी क्रॉस सी हमारा निकला क्या, टू आई माइनस टू जे प्लस टू के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। तो आई जे के ए के जो आई जे के कोफिशियंट हैं वो है वन माइनस टू थ्री, वन माइनस टू थ्री। बी क्रॉस सी के जो आई जे के कोफिशियंट हैं वो है टू माइनस टू और टू, टू माइनस टू टू। अब इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आई ये हो गया माइनस टू इंटू टू तो माइनस फोर, यहाँ माइनस होता है तो माइनस टू इंटू थ्री तो हो गया माइनस सिक्स, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस सिक्स, ठीक है। प्लस जे टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस वन इंटू टू तो टू, प्लस के वन इंटू माइनस टू तो माइनस टू, यहाँ पर माइनस होता है और टू इंटू माइनस टू तो हो गया माइनस फोर, तो यहाँ पर हो गया प्लस फोर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किए, टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। अब हम इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट सी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, और सी दिया है जीरो आई प्लस जे प्लस के, तो जीरो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब
आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई का जे और के साथ नहीं करते क्योंकि उनका मान जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आई का आई के साथ के तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आई जीरो है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार जे का जे के साथ करते हैं तो माइनस टू है, यहाँ पर वन है तो माइनस टू इंटू वन तो जाएगा माइनस टू, और जे डॉट जे हो गया वन, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये इक्वल होते हैं वन के। इसी प्रकार जब थ्री के और के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थ्री इंटू वन तो हो गया थ्री, तो प्लस वन, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, ए डॉट सी में बी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास निकल गया ए डॉट सी, अब इसमें बी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकला, ए डॉट सी वन और बी दिया है टू आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो रख दिए वैल्यू, जब वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो यही रहेगा टू आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी, ए दिया हमारे पास आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, और बी दिया है हमारे पास टू आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो टू आई प्लस जे माइनस के, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग तो वन आई इंटू टू आई तो हो गया टू, क्योंकि आई डॉट आई वन हो गया। उसी प्रकार माइनस टू जे और जे तो माइनस टू इंटू वन हो गया माइनस टू। इसी प्रकार थ्री के और माइनस के तो थ्री इंटू वन माइनस थ्री, के हो गया वन तो ये हो गया माइनस फाइव प्लस टू तो हो गया माइनस थ्री। हमको क्या चाहिए था, ए डॉट बी का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास निकल गया ए डॉट बी माइनस थ्री। अब उसमें हम सी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो सी दिया है हमारे पास जीरो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो आई भी लिख देते हैं, हाँ। तो हमारे पास ए डॉट बी है माइनस थ्री और सी इज इक्वल टू दिया है जीरो आई प्लस जे प्लस के। अब इसका हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया जीरो आई माइनस थ्री जे और इधर हो गया माइनस थ्री के। अब हम इसको इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर टू को क्या किए, माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ पर दोनों को माइनस करना था, ठीक है। तो कर देते हैं माइनस, तो ये दिया है टू आई प्लस जे माइनस के और माइनस जीरो आई छोड़ देते हैं क्योंकि जीरो मतलब नहीं लिखने का है ना, तो माइनस थ्री जे और माइनस थ्री के। अब हम क्या किए तो टू आई प्लस जे माइनस के, अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं तो जाएगा प्लस थ्री जे और प्लस थ्री के तो हो गया टू आई, ये हो गया थ्री जे और वन जे फोर जे और माइनस के प्लस थ्री के तो हो गया प्लस टू के। तो क्या निकला अपना, ये इसका वैल्यू निकला टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के, ठीक है। और ये देखिए इसका वैल्यू क्या निकला था हमारे पास टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के, मतलब दोनों जो वैल्यू है ये देखिए ये और ये सेम है, मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, या तो इसको निकाल लें या तो इसको निकाल लें, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।